Urbanization in India is a significant phenomenon that is transforming the landscape of the country. As per the Maharashtra State Board Class 9 Geography Syllabus, a video uploaded by Ignited Minds Tutorials provides an insightful explanation of this subject. Urbanization refers to the growth and expansion of cities and towns. In India, this process has been fueled by rapid industrialization and increasing economic opportunities. The video sheds light on the various factors contributing to urbanization, such as rural-urban migration, natural increase, and the growth of industries. The consequences of urbanization are explained in the video, emphasizing the challenges and opportunities it brings. While urbanization leads to improved infrastructure, access to better healthcare, and enhanced educational facilities, it also poses threats such as overcrowding, slum development, and environmental degradation. The video further touches upon the urban planning initiatives taken by the government to manage urban growth effectively. It discusses concepts like town planning, zoning, and the importance of sustainable development. Overall, the video provides valuable knowledge on the topic of urbanization in India, aligning with the Class 9 Maharashtra State Board curriculum. It offers an engaging and comprehensive explanation, helping students understand the complexities and dynamics of urbanization in the country. Okay, people in geography, we are going to start with this new chapter of urbanization. So what is basically urbanization? होता क्या है? शहरीकरण, ठीक है? तो डेवलपमेंट, हाँ, मतलब कैसा है कि गांव से लेकर हम उसको शहर में परिवर्तन करना, ठीक है? आज की तारीख में आपको जितने भी शहर दिख रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम दे वर ऑल विलेजेस, ठीक है? ये गांव ही जिए गए थे जो धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हुए। कामोटी की बात कर रहा हूँ मैं जब यहाँ पे आया था आज से कुछ 15 साल पहले, तो लगभग एक गाँव ही था, 2-4 बिल्डिंग्स दिखती थी ऐसे ही, ठीक है? फिर धीरे धीरे रैपिडली डेवलपमेंट हुआ, एक स्कूल हुआ करता था एकदम उधर MUM, ठीक है? और ज़्यादा करके लोग जाते थे सुधागढ़ स्कूल, विच वॉज इन कलमबोली। आपके बहुत सारे पेरेंट्स अगर यहाँ पे हैं तो वो उस स्कूल से पढ़े होंगे। खैर, तो ऐसा था कि मतलब स्कूल्स नहीं थे, बैंक्स, एक बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा, वो अभी भी है उधर उस साइड में, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वो बैंक अभी भी है वहाँ पे। एक बैंक था, एक भाई साहब, वो भी टिमटिमाता हुआ बैंक था, एकदम से गांव एरिया में जैसे बैंक होता है वैसा। प्लस स्कूल्स नहीं था और रास्ते भी नहीं थे, ये जो आपको पक्का रास्ता दिख रहा है यहाँ पे ऐसा नहीं था, ठीक है? एक दिन मेरे को रात हो गया था आने में और मेरे को कंपनी की गाड़ी ने ड्रॉप किया और मैं जब अपने घर यहाँ पे पहले रहता था, जब चल के जा रहा था तो बारिश हो रही थी बहुत, मेरा जूता उसके अंदर धंस गया, मतलब रोड पक्का रोड नहीं था और निकल ही नहीं रहा है भाई साहब, वो अंदर गया तो गया निकल ही नहीं रहा है। खैर, ये सब चीज़ें थी। अभी देखिए धीरे धीरे कैसा, कितने ही स्कूल्स हो गए हैं अभी, कितने ही कॉलेजेस हो गए हैं, सामने इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है भाई साहब, ठीक है? सो देयर इज सो मच ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट 5 to 7 years, लगभग 7-8 सालों में आप बोल सकते हैं पूरा एक सिटी तैयार हो गया है, ठीक है? हालांकि बहुत बड़ा एरिया नहीं है लेकिन काफ़ी सारा साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है? पहले तो, अभी तो आपकी सिर्फ इक्का दुक्का ट्यूसडे में लाइट जाती थी, पहले तो भाई साहब लाइट धनाधन जाती थी, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो 8-8 घंटे का बिजली का कट ऑफ रहता था। तो ये सारी तमाम चीज़ें थी, धीरे धीरे ये चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। तो शहरीकरण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? शहरीकरण जब होता है तो मतलब ऐसे ही अचानक से कोई शहर नहीं बन जाता है, ठीक है? धीरे धीरे फैसिलिटीज़ होती हैं, धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनते हैं, पानी आता है, बिजली आती है, ये सारे तमाम उपकरण आते हैं, उसके बाद ही किसी शहर का डेवलपमेंट हो सकता है, किसी गांव का शहर में परिवर्तन होता है। शहर के परिवर्तन होने से काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, बैंक्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, कॉलेजेस, इन सब की सुख सुविधाएँ आपको मिलती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि पोल्यूशन भी बढ़ता है, काफ़ी सारा टेंस एनवायरनमेंट हो जाता है, टेंस एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सारा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है? मतलब पानी अभी बहुत लोगों को अवेलेबल कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी अभी बहुत लोगों को अवेलेबल कराना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है?
तो वी विल कंसिडर द एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. ठीक है, ओके. सो द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ऑब्वियसली द चैप्टर एट अ ग्लांस. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली क्या है? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है. ठीक है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. ठीक है, ओके. और क्या है भाई साहब, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आर फॉलोड. ज़्यादा करके आपके अगर हम रूरल एरियाज में देखेंगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशन है. ठीक है, ग्राम पंचायत प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज, तो ग्राम पंचायत आपका पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, चेंजेस इन रूरल एरियाज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेज टू टाउन और सिटी. ठीक है, तो आपका रूरल एरियाज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हाउ इट इज ट्रांसफॉर्म टू विलेज और टाउन और सिटी. वेरियस इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड कमिंग अप, फैक्ट्रीज, मिल्स, एनर्जी प्लांट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. ठीक है, पीपल फ्रॉम सराउंडिंग रीजन्स कम फ्रॉम वर्क. तो जैसे जैसे भाई साहब आपकी इंडस्ट्रीज एक जगह डेवलप होने लगते हैं, फैक्ट्रीज एक जगह सेटअप होने लगते हैं, तो तमाम जगहों से लोग आने लगते हैं. मुंबई का भी डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ था. मुंबई में वैसे पहले मिल्स हुआ करते थे. ठीक है, महाराष्ट्र में कॉटन बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और इस कॉटन के चलते मुंबई में कॉटन मिल्स सेटअप होने लगे. तो जैसे जैसे कॉटन मिल्स की तादाद बढ़ने लगी, दूर दराज से गांव खेड़ों से लोग आने लगे और बहुत बड़ी मात्रा में आने लगे. ठीक है, इन वेरी ह्यूज नंबर्स दे स्टार्टेड कमिंग, और इसी से भाई साहब कॉटन मिल्स डेवलप हुए. पूरे इसमें कॉटन मिल्स डेवलप होने लगे. ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में, और इसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. फिर धीरे धीरे स्ट्राइक हुआ, फिर धीरे धीरे यू नो मशीन्स आ गए, तमाम चीज़ें हैं. लेकिन मुंबई का डेवलपमेंट प्राइमरली कॉटन मिल्स के चलते हुआ था. ठीक है, तो इसी तरह से कभी भी कहीं पे भी फैक्ट्रीज सेटअप होती हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं, तो बहुत बड़े लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो वेरियस इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड कमिंग अप, एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, मिल्स, एनर्जी प्लांट्स. ठीक है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता हो. एनर्जी प्लांट्स मतलब ऐसे जगह जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हो, हीट प्रोड्यूस होता हो, ऐसे तमाम चीज़ें. ठीक है, आपके आपके फ्यूल्स प्रोड्यूस होते हों, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. ठीक है, पीपल फ्रॉम सराउंडिंग रीजन्स कम फॉर वर्क, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेस कॉन्सिक्वेंटली. तो अगर किसी जगह का पॉपुलेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए सिविल अथॉरिटीज़ को पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई करना पड़ेगा, पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी. ये सारे डिमांड्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली अदर सर्विसेज डेवलप. तो मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप होंगी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप होगा, हॉस्पिटल्स डेवलप होंगी, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब गार्डन. ठीक है, रिक्रिएशन मतलब गार्डन्स, पार्क्स, ये सब भी डेवलप होंगे. सो दीज थिंग्स विल डेवलप साइमल्टेनियसली. म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, सीवेज नेटवर्क, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा. ठीक है, तो आपका ड्रिंकिंग वाटर, फिर रोड्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन, सीवेज नेटवर्क. सीवेज नेटवर्क मतलब जहाँ से कचरा जाता हो. ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा. ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग वाटर, फिर रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, सीवेज नेटवर्क, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा. ठीक है, टाउन प्लानिंग, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, टूरिस्ट प्लेसेस एंड पार्क्स ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डेवलप. ठीक है, तो टाउन प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, प्रॉपरली टाउन प्लान हो. ठीक है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज डेवलप होती हैं. ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप होते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस डेवलप होंगे, पार्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी डेवलप. ठीक है, क्राइटेरिया यूज टू डिफाइन अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ 1961 सेंसस. तो अर्बन एरिया का एक डेफिनेशन क्या होता है, इधर ध्यान देंगे जरा. ठीक है, अर्बन एरिया का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन. डेफिनेशन मतलब किस जगह को आप बोलेंगे एक अर्बन एरिया है. ठीक है, मोर देन 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन. अगर किसी जगह का लगभग 75% या 75% लोग, मेल पॉपुलेशन, अगर नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, ऑफिस जाता है. ठीक है, और मतलब ऑफिस के काम काज करते हैं नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में, तो हम उसको बोलते हैं अर्बन एरिया. ठीक है, इफ फॉर एनी प्लेस मोर देन 75% ऑफ द वर्किंग मेल पॉपुलेशन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, देन वी कॉल इट एज एन अर्बन एरिया. इसको अपन अर्बन एरिया बोलेंगे. ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन 5,000. तो जो सेटलमेंट का पॉपुलेशन है, अभी जहाँ पे भी एरिया है उसमें करीब करीब 5,000 लोग कम से कम होने चाहिए. ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट शुड बी, ऐसा नहीं है कि भाई साहब 100 ही लोग हैं,
और 100 में 75 ऑफिस में जा रहे हैं तो चलो अर्बन एरिया हो गया, नहीं, उस जगह का पॉपुलेशन मिनिमम 5000 होना चाहिए। और इस 5000 में जो मेल पॉपुलेशन है उसका मोर देन 75% शुड बी एक्चुअली गोइंग टू ऑफिसेस और डूइंग सम अदर वर्क रादर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो इसको अपन अर्बन एरिया बोलेंगे, ठीक है। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ये एक्चुअली बहुत हाई नंबर है, ठीक है। एक स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोगों का रहना एक बहुत हाई नंबर, लेकिन इंडिया के स्टैंडर्ड से हाई नंबर नहीं है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 400 लोग रहें। जैसे समझ लो एक यहाँ पे रह रहा है भाई साहब, एक पनवेल में रह रहा है, एक भाई साहब रह रहा है कामोठे में, एक भाई साहब रह रहा है वाशी में, तो इसको अपन थोड़ी ना अर्बन एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 400 लोगों का रहना जरूरी है फॉर एन अर्बन एरिया, ठीक है। ओके, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन हो गए अर्बन एरिया का? पहला क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया? राइट, वो ऑफिस नहीं बोलेंगे, नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप धंधा नहीं कर सकते, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 75% ऑफ द वर्किंग मेल पॉपुलेशन शुड बी एम्प्लॉयड इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। दूसरा काव्या, देखो ना नोट करेंगे ना ध्यान देंगे तो यही होता है, ये डेफिनेशन आएगा ही आएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन अर्बन एरिया? शुड बी 5000, कम से कम 5000 का सेटलमेंट होना चाहिए, कम से कम 5000 लोग उस जगह पर रहने चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया, तो 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में होने चाहिए। For every square kilometer, there should be approximately 400 people. Are we clear on these aspects? तब जाकर हम उसको एक urban area का category में डालेंगे, ठीक है? तो आप देखो पहले urbanization in India from 1961 to 2011, ठीक है? 1961 से लेकर approximately 50 साल में क्या क्या urbanization हुआ है? 1961 से 2011 मतलब 50 साल का हिसाब है यहाँ पे। 1961 में urban population का percentage कितना था देखो? मतलब 18% और नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स कितने थे? 2270। धीरे धीरे बढ़ता गया ये नंबर, ठीक है, बढ़ता गया। 2011 में अर्बन पॉपुलेशन की संख्या कितनी हो गई, मतलब पूरे देश का जो पॉपुलेशन है उसमें से 37% ऑफ द पॉपुलेशन स्टेज इन अर्बन एरियाज एंड द नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स हैव इंक्रीज्ड अप्रॉक्सीमेटली 8000। 37% एंड 8000, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अर्बन पॉपुलेशन increased consistently between 1961 to 2011. एक अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज कंसिस्टेंटली बिटवीन 1961 टू 2011, तो 1961 से 2011 तक अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट देखो डबल हो गया है। 17 का डबल कितना होता है? 34। यहाँ पे वैसे डबल से भी ज़्यादा हो गया। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ऑल्सो द नंबर ऑफ सेटलमेंट्स हैज इंक्रीज टू 8000 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ओके, फ्रॉम 1961 टू 1981 द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वॉज अराउंड 5.5 ओनली। अभी देखो यहाँ पे कितना था, 17, और यहाँ पे 23, तो अप्रॉक्सीमेटली 5% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इधर आओगे तो देखो अभी यहाँ से ग्रोथ होना चालू हुआ है, ठीक है। सो 17 का भाई साहब क्या हो गया, 37 हो गया, 50 सालों में डबल से ज़्यादा हो गया। फ्रॉम 1981 टू 2011 दिस ग्रोथ वॉज अराउंड कितना, 13.73। तो आप देखो 23 से भाई साहब 37 तक गए, तो इसमें अगर आप देखोगे तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, द मिनिमम पॉपुलेशन, देखो इस पर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अर्बनाइजेशन, अगर अर्बन जगह का डेफिनेशन आपको चाहिए तो तीन कैटेगरीज आपको याद होने ही चाहिए। एक भाई साहब पर स्क्वायर किलोमीटर कितना पॉपुलेशन हो, 400, दूसरा 5000 का सेटलमेंट हो, और तीसरा भाई साहब मोर देन 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एम्प्लॉयड इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो दीज आर द प्रॉपर डेफिनेशंस ऑफ एन अर्बन पॉपुलेशन। द मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सेटलमेंट शुड बी डैश फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एज एन अर्बन एरिया। 600, 500, 400, कितना होगा भाई साहब? 400। ओके, कुल
state whether right or wrong and correct the wrong one. More than 75% of the male working population should be engaged in agricultural occupation for an area to be declared an urban area according to the census of India. Ab bataiye, true? True nahi hoga to false hi hoga. यहाँ पे क्या बोले, शुड बी इंगेज इन एग्रीकल्चर, नहीं शुड, तो ये नॉट होगा, ठीक है. मोर देन 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड नॉट बी इंगेज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और शुड बी इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर एन एरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज अर्बन एरिया, ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा. मोर देन 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है, for an area to be declared as an urban, okay. The population of the settlement should be more than 7,000 for an area to be declared an urban area according to the census of India. All right, Suraj, true or false? मालूम था, सो ही रहा है तू. अभी तो डिस्कस किया अपन ने कितना मिनिमम पॉपुलेशन होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए, है ना, 5,000 होना चाहिए फॉर एन एरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज एन अर्बन एरिया. The minimum population of the settlement should be 5,000. Take it. The population of the settlement should be 5,000 for an area to be declared as an urban area according to the census of India. Reasons of urbanization. Pehla hai bhai sahab aapka industrialization. Industries badhengi to urbanization badhega bhai sahab. Take it. Industries badhengi to urbanization badhega. People from surrounding areas attracted towards increasing industries. During the 19th century, Mumbai grew rapidly because textile mills started on a large scale in Mumbai. ठीक है, तो मुंबई फटाफट भाई साहब ग्रो होने लगा क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स का स्टैब्लिशमेंट हो गया, टेक्सटाइल मिल्स पे स्टैब्लिश्ड. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले महाराष्ट्र, आज भी है, वॉज अ लीडिंग प्रोड्यूसर इन कॉटन, और मुंबई में जो डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे मुंबई मिल्स के चलते हुआ. ठीक है, मुंबई एज अ शहर डेवलप क्यों हुआ, यहाँ पे मिल्स स्टैब्लिश हुई, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल मिल्स स्टैब्लिश हुई, और इसमें बहुत ज़्यादा लेबरर्स की जरूरत पड़ी, इसलिए गाँव खेड़े से लेबरर्स बहुत हाई मात्रा में आने लगे. हालांकि एक फेलियर हो गया ये कि 4-5 सालों में क्लैशेस होने लगे, मतलब जो वर्कर्स थे और मैनेजमेंट में, और इन क्लैशेस के चलते स्ट्राइक्स होने लगे, और ये स्ट्राइक बहुत लंबा चला, 2-3 साल तक चला. तो इसमें क्या हुआ, ना ये वापस जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बस गए हैं अभी, ठीक है, और ना ही कोई काम मिल रहा है. तभी धीरे धीरे दूसरे आयाम देखने लगे, तभी दूसरा सेक्टर इम्प्रूव होने लगा. ठीक है, क्योंकि अभी जो मिल ओनर्स थे उन्होंने वैसा मशीन्स मंगा लिया, ठीक है भाई, तुमको नहीं काम करना है हमारे पगार पे, हम मशीन्स मंगा लेंगे, मशीन्स चालू हो गए. तो ये जो लोग थे ये वापस गांव में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये शहरी लाइफ से एडजस्ट हो गए थे, अभी ये धीरे धीरे दूसरे काम देखने लगे. तो जब ये दूसरे काम देखने लगे तो दूसरे इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगे. दैट्स हाउ इट बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बिग सिटी. ठीक है, सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मुंबई ग्रू रैपिडली बिकॉज ऑफ टेक्सटाइल मिल्स स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल इन मुंबई. बहुत बड़ी तादाद में भाई साहब टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुआ था. ठीक है, ओके. Villages which were originally fishing villages, इसको हम कोलीवाड़ा बोलते हैं, जैसे आप देखोगे सायन कोलीवाड़ा बोलते हैं. ठीक है, सायन को सायन कोलीवाड़ा बोलते हैं. एक्चुअली दीज वेर यू नो प्लेसेज वेर मैसिव फिशिंग यूज टू हैपन. ठीक है, कोलीवाड़ा बिकेम पार्ट ऑफ मुंबई मेट्रोपोलिटन एरिया. ठीक है, तो मुंबई के मेट्रोपोलिटन एरिया में आ गया वो. ठीक है, सायन कोलीवाड़ा मतलब यहाँ पे मछुआड़े लोग मछली पकड़ते थे, लेकिन इतना डेवलपमेंट हुआ कि धीरे धीरे दे ऑल स्विच्ड इनटू टर्शियरी फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक है, ट्रेड प्लेसेस फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज. ठीक है, तो अभी दरअसल भाई साहब अगर आपका फेवरेबल प्लेसेस फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग अगर आप देखोगे भाई साहब, पहले मुंबई में एक ही पोर्ट हुआ करता था, अभी यहाँ पे आपका JNPT भी डेवलप हुआ है, और JNPT के चलते न्यू बॉम्बे डेवलप हो रहा है. समझ में आ रहा है, क्योंकि JNPT में बहुत बड़ा यू नो कार्गोज का लोडिंग और अनलोडिंग होता है, तो ऑब्वियसली वो पूरा रास्ता अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है. वो रास्ते में उलवर के आगे जाते रहेंगे आप अगर, तो रास्ते को अच्छे से बनाया गया है क्योंकि उसमें बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं. ठीक है, ये सारे जो यू नो कंटेनर्स होते हैं उनको लेकर जाते हैं या वहाँ से लेकर आते हैं. ठीक है, प्लेसेस फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहले जब वो रास्ता था वो थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, अभी उस रास्ते को अच्छे से बनाया गया है. ठीक है, बेलापुर से आप टर्न लेते हो जब, तो दैट इज बेसिकली गोइंग टूवर्ड्स उलवा, आगे आपका JNPT आ जाएगा. ठीक है, प्लेसेस फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड रिलेटेड सर्विसेज. सो उससे भाई साहब ट्रेड डेवलप होता है एंड रिलेटेड सर्विसेज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कॉम्प्लेक्स, बैंक्स,
क्रेडिट सोसाइटीज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें डेवलप होती है, बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते हैं, बैंक्स डेवलप होते हैं, क्रेडिट सोसाइटीज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस एक्सेट्रा, ये सारे डेवलप होते हैं। देखो जब भी आप, तो जैसे मैंने आपको बोला JNPT एक पोर्ट है, अभी वो पोर्ट अगर डेवलप हो रहा है तो लोग ये थोड़ी ना, भाई साहब अगर JNPT में कोई काम कर रहा होगा तो वो भाई साहब थोड़ी ना रत्नागिरी या पूना या मुंबई के यू नो सांताक्रूज में रहेगा, वो आसपास ही कहीं घर देखेगा ना, ठीक है। तो इससे क्या होंगे भाई साहब, बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होंगे, बैंक्स डेवलप होगा आजू बाजू, क्रेडिट सोसाइटीज, क्योंकि बड़े पैमाने पे धंधा हो रहा है, अगर धंधा हो रहा है बड़े पैमाने पे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज, ये डेवलप होंगे भाई साहब, गोडाउन डेवलप होंगे, ठीक है, माल को रखने के लिए गोडाउन डेवलप होंगे, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स होंगे, कुछ कुछ पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जैसे आपके फूड, ठीक है, तो इनको ठीक से रखने के लिए भाई साहब कोल्ड स्टोरेजेस डेवलप होंगे, हाउसेस डेवलप होंगे, प्लेसेस फेवरेबल फॉर ट्रेड रिजल्ट्स इन अर्बनाइजेशन, तो जितने भी प्लेसेस फेवरेबल होते हैं ट्रेड के लिए इससे शहरीकरण होता है, ठीक है। मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी आर बोथ हेल्पफुल फॉर अर्बनाइजेशन, तो जितना भी आपका मशीन एम्प्लॉयड होता है एंड टेक्नोलॉजी, ये भी अर्बनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। आप कहीं पे भी यहाँ पे अगर देखोगे सारे काम जो है ज़्यादा करके मशीन से हो रहे हैं, जैसे समझो ये बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, इस बिल्डिंग में जो सीमेंट है, जो भाई साहब आपका माल मसाला है, वो ऊपर जा रहा है, तो आप देखो कि कैसे जा रहा है, लिफ्ट से जा रहा है ऊपर, है ना, कोई थोड़ी ना उसको भाई साहब लेकर जा रहा है ऊपर, तो लेबर इंटेंसिव नहीं है, मशीन्स का ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, भरपूर मात्रा में मशीन्स और टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स ऑन अ लार्ज स्केल, तो रूरल एरियाज में देखोगे अगर ट्रैक्टर चलता है और बहुत सारे और भी मशीन्स हैं, तो रूरल एरियाज में मशीन्स की मदद से बहुत भारी मात्रा में अर्बनाइजेशन होता है। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स ऑन अ लार्ज स्केल, therefore the manpower employed in agriculture becomes devoid of agriculture work, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है भाई साहब, जो लोग इस खेत को मतलब तैयार करने में या फसल उगाने में लगे हुए थे, ये पता नहीं किस में लगे हुए थे, हाय हाउ आर यू, सो जो लोग भाई साहब आपके लगे हुए थे, इतने बड़े पैमाने पे जो लोग लगे हुए थे खेत को तैयार करने में, वो क्या अभी अगर मशीन्स लाएंगे तो क्या होगा, उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना। अभी अगर समझ लो एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें कम से कम 50 लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस खेत को तैयार करने में, उस खेत में फसल बोने में और सारी चीज़ों में, अभी अगर हमने ट्रैक्टर लगा दिया और मैकेनाइज फार्मिंग कर दिया तो इतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब समझ लो अभी सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी 40 लोग क्या हो जाएंगे, कुछ और धंधा करेंगे ना, कुछ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। सो बिकम्स डिवॉइड ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, तो मतलब इतने बड़ी मात्रा में आज की तारीख में लोग दूसरे काम में इन्वॉल्व होके पैसा जनरेट कर सकते हैं, ना कि उसी एक काम पे लगे रहें, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस वर्किंग क्लास केम टू सिटीज टू लुक फॉर वर्क एंड द अर्बन पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है। पहले क्या होता था, देखो एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर के पास भाई साहब 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चे भाई साहब क्या है, फील्ड में लग गए, ठीक है। अभी फार्मर ने भाई साहब ट्रैक्टर खरीदवा लिया या मैकेनाइज फार्मिंग लिया, तो अभी 10 बच्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 बच्चों से ही लगभग उतना ही उत्पादन हो जाएगा, तो ये बाकी के 8 लोग क्या करेंगे, तो बाकी के 8 लोग अगर खेत में इन्वॉल्व रहे कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले भी 50 टन अनाज पैदा होता था, अभी भी 50 टन अनाज ही पैदा होता, खेत का जितना कैपेसिटी होगा उतना ही प्रोड्यूस करेगी, तो ये बाकी के लोग कहाँ जाएंगे, बाकी के लोग भाई साहब शहर में आएंगे और कुछ ना कुछ काम करेंगे जिससे इनकम जनरेट हो, सो फैमिली इनकम बढ़ेगी, ठीक है, दिस विल टेंड टू इंक्रीज द फैमिली इनकम। एज अ रिजल्ट दिस वर्किंग क्लास केम टू सिटीज to look for work and the urban population started increasing. This is how the urban population started increasing. इस तरह से भाई साहब आपका urban population बढ़ने लगा. Transport and communication. Urbanization occurs in regions where transport facilities develop. तो urbanization उन्हीं जगहों पे होगा जहाँ पे transport facility develop होता है. ठीक है? Example, convergence of import rail routes through Bhusawal led to this rapid growth. ठीक है? तो आपका भाई साहब भुसावल में कन्वर्जेंस ऑफ इंपॉर्टेंट रेल रूट्स थ्रू भुसावल लेट टू इट्स रैपिड ग्रोथ, इससे रैपिड ग्रोथ हुआ भाई साहब, ठीक है। और क्या है, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवेज मेनी विलेजेस लाइक सवाडे स्टार्टेड अर्बनाइजिंग, तो ये धीरे धीरे भाई साहब अर्बनाइजेशन होने लगा, ठीक है। माइग्रेशन कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और परमानेंट,
तो माइग्रेशन भाई साहब आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है एंड परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी इधर शॉर्ट टर्म, इट कैन बी लॉन्ग टर्म और परमानेंट। माइग्रेशन क्या होता है? ये जो मजदूरों का एक जगह से मूव करने का प्रोसेस होता है उसको अपन माइग्रेशन बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, थोड़े से छोटे समय के लिए भी, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। माइग्रेशन कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और परमानेंट, ठीक है, क्लियर है। अकर्स फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज, रूरल टू अर्बन एरियाज एंड अर्बन टू अर्बन एरियाज, ठीक है। तो रूरल टू रूरल एरियाज में भी माइग्रेशन होता है, ठीक है। मतलब एक गांव से दूसरे गांव में जो लोगों का मूवमेंट होता है उसको अपन रूरल टू रूरल एरिया माइग्रेशन बोलते हैं। रूरल टू अर्बन एरियाज, गांव से शहर में जो माइग्रेशन होता है उसको अपन रूरल टू अर्बन एरिया बोलते हैं। एंड अर्बन टू अर्बन एरियाज, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे टाइप्स के माइग्रेशन होते हैं। माइग्रेशन मतलब क्या है? देखो, माइग्रेशन टेम्प्ररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। जॉब्स के लिए, काम के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, इसको अपन बोलते हैं माइग्रेशन। कभी कभी आप जाकर नए शहर में बस ही जाते हो, ठीक है। कभी कभी आप वहाँ पे कुछ समय के लिए रहते हो फिर वापस आ जाते हो, ठीक है। सो दैट इज टेम्प्ररी और परमानेंट, इट डिपेंड्स। अट्रैक्शन ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन माइग्रेटरी पॉपुलेशन इन द सिटीज। तो अट्रैक्शन ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इससे क्या हुआ भाई साहब? माइग्रेटरी पॉपुलेशन इन सिटीज, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो मतलब हाई स्टैंडर्ड लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़े, ठीक है। रिजल्टेड इन इंक्रीज इन माइग्रेटरी पॉपुलेशन इन द सिटीज, तो सिटीज में माइग्रेटरी पॉपुलेशन भाई साहब बढ़ने लगा, ठीक है, क्लियर है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, मुंबई ग्रू रैपिडली बिकॉज डैश मिल्स स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल इन इट, विंड, टेक्सटाइल और पेपर। तो टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है। डैश सिटी इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इंडिया एंड अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग हियर एज दिस लोकेशन हैज फैसिलिटेटेड ट्रेड। पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, डैश सिटी इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इंडिया एंड अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग हियर एज इट दिस लोकेशन हैज फैसिलिटेटेड ट्रेड। नागपुर, ठीक है। What was the effect of mechanization and technology on the manpower employed in agriculture? तो machines बढ़ गए, ठीक है, और technology भी बढ़ गई, इसका impact agriculture पे क्या हुआ? क्या हुआ है इनका? क्या, what was the first impact? जितने लोग पहले लगते थे अभी नहीं लग रहे, ठीक है, तो they can actually generate or they can actually get themselves employed in different forms of employment. Rather than being stuck to agriculture itself, okay? So people moved out in large numbers and they migrated to cities to earn more income for the family, okay? As the use of technology in agriculture increased, the manpower previously employed, manpower मतलब लोग, okay? Employed in agriculture was now without work. तो इसके पास काम नहीं था, and this working class came to cities to look for work. So they migrated to cities to generate income. क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है, okay? क्या ये सही था या गलत था? सही था, क्योंकि अगर आप देखोगे, समझ लो इतना बड़ा एक खेत है, उसमें आप 20 लेबरर से 50 टन गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स से अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी, और अगर आपने भाई साहब मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग किया तो भी आपके भाई साहब उतने ही टन, 50 टन अनाज प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्यों ही हम भाई साहब 20 लोगों को लगाएं? एक इंसान से जो काम बन जाता है तो बाकी के 9 लोग क्या दूसरे जगह पे जाकर और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं फैमिली के लिए? यस, अदरवाइज वहीं पे रहे, बैठे रहेंगे, थोड़ा सा भाई साहब घास फूस साफ करेंगे, उसके क्या फायदा होगा? जो इंक्रीज होगा वो तो नहीं होगा ना भाई साहब। अगर भाई साहब 20 लोगों के एम्प्लॉयमेंट से 50 का 100 गुना हो जाता, अगर 100 टन अनाज प्रोड्यूस होता तो इन 20 लोगों का रुकना बनता है, लेकिन नहीं कुछ हो रहा है, तो लेट्स गो अहेड एंड सेटल आवरसेल्व्स समवेयर एल्स एंड अर्न द इनकम, ठीक है। दैट इज द एक्चुअल व्हाट लेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ सावरडे डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। सावरडेज प्रॉक्सिमिटी टू द कोंकण रेलवे लेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ दिस विलेज। तो भाई साहब बहुत क्लोज था कोंकण रेलवे के, एंड देन इट लेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ दिस विलेज। स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग एंड करेक्ट द रॉन्ग वन। कोलीवाड़ा बिकेम पार्ट ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो कोलीवाड़ा क्यों हो गया भाई साहब? क्योंकि स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग, पहले तो ये बताना है कि राइट और रॉन्ग, राइट है कि रॉन्ग है? अरे भाई साहब तुम लोग सुन रहे हो या टेंशन नहीं है, क्या है कोलीवाड़ा? क्या था, व्हाट इज कोलीवाड़ा? कोलीवाड़ा मतलब मछुआरों की बस्ती थी ये, ठीक है। तो ये दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया, व्हाई?
बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. तो भाई साहब कॉटन मिल्स बढ़े, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, धीरे धीरे मुंबई का डेवलपमेंट होने लगा. ठीक है, और क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ा, तो दिस इज हाउ इट डेवलप्ड. ठीक है, कोलीवाड़ा बिकेम, तो इट इज राइट. ठीक है, इन रीजन्स वेयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड रेलवेज डेवलप, अर्बनाइजेशन ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट डज नॉट टेक प्लेस. जहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड रेलवेज डेवलप, ठीक है, अर्बनाइजेशन ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स डिड नॉट टेक प्लेस, तो ये हो जाएगा भाई साहब रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि जहां पे भी आपका रोड्स और रेलवेज डेवलप होगा वहां पे शहरीकरण होना ही होना है. ठीक है, अर्बनाइजेशन ऑफ स्मॉल इन रीजन्स वेयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड रेलवेज डेवलप, अर्बनाइजेशन ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स टेक्स प्लेस रैपिडली. द ग्रोथ ऑफ सिटीज टेक्स प्लेस इन स्पेसिफिक मेथड. ठीक है, सिटीज ग्रो इन रीजन्स एक्सपीरियंसिंग डेवलपमेंट इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं भाई साहब. ठीक है, किस वजह से सिटीज ग्रो होंगी, इंडस्ट्रीज की वजह से ग्रो होंगी, फैक्ट्रीज की वजह से ग्रो होंगी, मैकेनाइजेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रो होंगी, ये सारे कारण होंगे ना सिटी के ग्रो होने के लिए. ट्रांसपोर्ट की वजह से ग्रो होगी. ठीक है, डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड रेलवेज, इन सारे तमाम चीजों का विकास होगा तो भाई साहब सिटी का डेवलपमेंट होगा, अर्बनाइजेशन होगा. क्लियर है भाई साहब? ओके, माइग्रेशन इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज. क्यों है ये? क्योंकि देखो, अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग किसी शहर में आ रहे हैं तो शहर के अथॉरिटीज को उतना फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा. दे विल हैव टू इंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूलिंग, बैंकिंग, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, ये सारा भाई साहब देना पड़ेगा उनको. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा. ठीक है, क्लियर है? सो माइग्रेशन इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सिटीज. ठीक है, द अट्रैक्शन ऑफ अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लीड्स पीपल टू माइग्रेट टूवर्ड्स एरियाज एक्सपीरियंसिंग रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो जब भी हमको दिखता है कि भाई साहब किसी शहर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग बहुत बड़ी तादाद में उस शहर की तरफ मूव करते हैं, और जैसे ही उस शहर की तरफ मूव करते हैं उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक प्रेशर आता है, और उस प्रेशर को मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को वो सारे तमाम सुख सुविधाएँ को उपलब्ध कराना पड़ेगा. ठीक है, ओके. Thus the cities grow in the regions showing development patterns in the areas mentioned above. Hence we can say that the growth of cities takes place in a specific method. Industrialization causes cities to develop. Okay? Industrialization is a major factor contributing to urbanization. Okay? Industrialization ek major factor hai, okay, which contributes to urbanization. Okay? So apan bol sakte hain yahan pe bhai sahab. इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर आपका भाई साहब इंडस्ट्रीज होंगी. इंडस्ट्रीज को हम बोल सकते हैं कि बैकबोन है अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का बैकबोन क्या है, इंडस्ट्रीज. ठीक है, ओके, व्हेन इंडस्ट्रीज गो पीपल फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज इंडस्ट्रीज, हेंस द पॉपुलेशन इंक्रीजेस. ठीक है, द सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा कम अप दीज एरियाज टू केटर टू द नीड्स ऑफ द इंक्रीज पॉपुलेशन. This is how cities develop. इस तरह से भाई साहब आपके cities develop होते हैं. ठीक है, For instance, Mumbai grew rapidly in the 19th century. This is because textile mills started on a large scale in Mumbai during this time. Many koliwaras, that is fishing villages, thus became a part of the Mumbai metropolitan area. Hence, we can say that industrialization caused cities to develop. Industrialization की वजह से cities develop हुई. ठीक है, Clear है? Are we clear on this one, people? Outline the importance, advantages of the following. Trade. Okay? The advantages of trade are given below. The development of trade in a particular region is directly proportional to the development of the region. Okay? So, trade ka development, the development of trade in a particular region, okay, is directly proportional to the development of the region. Jitna bhai saab dhanda badega, utna zyada us jagah ka development hoga. Okay? Business complexes, banks, credit societies, godowns, cold storages, houses, etc. develop in the region where trade flourishes. इन सब जगहों पे भाई साहब trade flourish होता है और ये सब जगह पे ये सारी चीजें भी develop होंगी. ठीक है, okay. Technology and mechanization. Mechanization means uses of machines instead of manual labor. तो machines हम use कर रहे हैं manual labor के जगह. ठीक है, The advantages of technology and mechanization are given below. There are many advantages of technology and mechanization in various fields. Technology and mechanization are also helpful in urbanization. In rural areas,
एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स ऑन अ लार्ज स्केल. तो ये सारी तमाम चीजें हैं भाई साहब, ठीक है. इंपैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, सोशल हार्मनी, ठीक है. सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग अर्बनाइजेशन, आपके सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, ठीक है, टर्शियरी सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, टर्शियरी ऑक्यूपेशंस, क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस, ये भाई साहब बढ़ने लगते हैं. प्राइमरी ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंक, स्कूलिंग, ये सारे भाई साहब आपके टर्शियरी और क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस में आते हैं. तो इनकी तादाद बढ़ने लगती है, तो सोशल हार्मनी मेंटेन रहती है. सो देयर इज अ सोशल हार्मनी दैट इज मेंटेन्ड, ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज एंड एरियाज ग्रो रैपिडली. कल्चरल एंड सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर एक्सचेंज्ड, क्रिएटिंग सोशल हार्मनी. तो काफी सारा सोशल हार्मनी डेवलप होता है. मॉडर्नाइजेशन, ठीक है. विजडम, स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ इमिग्रेंट्स इज एक्सचेंज्ड, ठीक है. तो विजडम, स्किल, नॉलेज ऑफ इमिग्रेंट्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इज एक्सचेंज्ड. एडवांटेजेस ऑफ अपलोडेड नॉलेज एंड लिटरेचर. तो आपका भाई साहब नॉलेज और लिटरेचर भाई साहब काफी सारा एक्सचेंज होता है. न्यू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस कम हियर. तो नए नए प्रोजेक्ट्स आने लगते हैं भाई साहब, ठीक है. जैसे जैसे भाई साहब डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे नए नए प्रोजेक्ट्स आते जाते हैं, ठीक है. विजडम, स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ इमिग्रेशन इज एक्सचेंज. एडवांटेजेस ऑफ अपलोडेड नॉलेज एंड लिटरेचर, ठीक है. न्यू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड इन बिजनेसेस कम हियर, ठीक है. सो ये आपके मॉडर्नाइजेशन. अर्बन सेटलमेंट्स गेट एन एडवांटेज ऑफ न्यू आइडियाज, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज. तो आपका भाई साहब जितने भी अर्बन एरियाज होते हैं, इनको एक एडवांटेज क्या मिलता है कि काफ़ी सारे भाई साहब न्यू आइडियाज क्रॉप होते हैं, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं एंड टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज, ठीक है, ये सारे इनको उपलब्ध हो जाते हैं. जैसे जैसे किसी भी जगह का शहरीकरण होता है, ये सारी चीज़ें आती जाती हैं और लोग इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं, ठीक है, उठाना भी चाहिए, ठीक है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इम्प्रूव होता है. अच्छे स्कूल्स, अच्छा बैंकिंग सर्विस, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज, इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है. दिस इज बेसिकली गोइंग टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज, वेरियस एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशनल, मेडिकल, फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा डेवलप, ये सारे भाई साहब डेवलप होते हैं. जर्नी बिकम्स ईजियर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फ्राइट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. मार्केट, ट्रेड एक्सेट्रा. एजुकेशनल फैसिलिटीज आपके डेवलप होने लगते हैं, ठीक है. मैनी पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स कम टू अवेल ऑफ वेल डेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज. तो काफ़ी सारे भाई साहब पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए शहरी इलाकों में, ठीक है. प्रॉब्लम्स, अभी सब कुछ सही नहीं होता है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, ठीक है. मतलब ये हर चीज़ से पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही नहीं आ सकता, कुछ आपके भाई साहब नेगेटिव भी हो जाते हैं, ठीक है. प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, स्लम्स, पॉपुलेशन इन सिटीज इंक्रीजेज रैपिडली. तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है पॉपुलेशन इन सिटीज़ में, जिससे क्या डेवलप होते हैं भाई साहब, स्लम्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं, ठीक है. हाउसिंग फैसिलिटीज़ डू नॉट इंक्रीज, हाउसिंग फैसिलिटीज़ भाई साहब आपके नहीं बढ़ते हैं. और इसमें क्या होता है भाई साहब, लोग कहाँ पर रहेंगे, झोपड़पट्टियों में रहने लगते हैं, ठीक है. तो इससे स्लम्स बढ़ने लगते हैं, स्लम्स से क्राइम रेट बढ़ता है, स्लम्स से भाई साहब आपका प्रदूषण बढ़ता है, और स्लम से काफ़ी सारे और भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है. इनको कोई भी बीमारी अगर होगी स्लम्स में सबसे ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है. तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, कोई भी बीमारी अगर होगी तो स्लम्स में धड़ाधड़ फैलेगी, ठीक है. मुंबई हैज़ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया. धारवी का जो स्लम है, दैट इज़ बेसिकली द लार्जेस्ट स्लम नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एशिया. जब कोरोना आया था तो सब डॉक्टर्स का मतलब यही था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो ना हो, क्योंकि यहाँ से सारी बीमारियाँ फैलेंगी, ठीक है. एज इमिग्रेंट्स आर इकोनॉमिकली वीक, दे कैन नॉट अफोर्ड हाउसिंग. तो इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो इनका भाई साहब हाउसिंग ही अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है. ड्यू टू लो इनकम पीपल बिल्ड टेम्पररी एंड सेमी स्ट्रक्चरल हाउसेस इन ओपन स्पेसेस. दे आर इलीगल एंड दे डू नॉट गेट बेसिक फैसिलिटीज. ये इलीगल हैं और इनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती. द डेंसिटी ऑफ हाउसेज इज वेरी हाई एंड रोड्स आर नैरो. तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और हाउसेज काफ़ी नैरो हैं. स्लम्स कीप ऑन इंक्रीजिंग अनकंट्रोलेबली. तो आपके स्लम्स भाई साहब इंक्रीज होते ही रहते हैं अनकंट्रोलेबली, ठीक है. लीड्स टू सोशल एंड हेल्थ रिलेटेड इशूज. तो आपके सोशल और हेल्थ रिलेटेड इशूज प्रॉप होते हैं इसमें, ठीक है. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. डन 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 डन. ओके पीपल, वी वर डूइंग अर्बनाइजेशन. तो अर्बनाइजेशन के जो मुख्यतः कारण है वो हमने देखा, और अर्बनाइजेशन का क्या फ़ायदा है वो भी देखा. बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, ठीक है. शहरीकरण होना ज़रूरी है, क्योंकि शहरीकरण आपका इनडायरेक्टली डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है. जितना आपका डेवलपमेंट होगा, जितना किसी एरिया में
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स एक्सेट्रा, उतना ज़्यादा उस जगह का अर्बनाइजेशन होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। देयर सम डिसएडवांटेजेस टू अर्बनाइजेशन, वी विल टॉक अबाउट दोज डिसएडवांटेजेस इन अर्बनाइजेशन, ठीक है। क्या सब लोग मुंबई जैसे बड़े शहर में घर अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। सो घर या तो रेंटेड या तो आपका जो परचेज आउट या लोन पे भी बहुत हाई प्राइस पे आता है, स्पेशली इन एरियाज लाइक मुंबई विच आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दे आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो इसीलिए उनके पास अगर मुंबई में रहना है तो आपको दो तरीके हैं, एक तो एकदम मुंबई के आउटस्कर्ट्स में रहो, एकदम बाहर, ठीक है, और या तो मुंबई के बीचों बीच रहो लेकिन स्लम्स में रहो, ठीक है। तो स्लम्स में मुंबई का एक बहुत बड़ा क्राउड रहता है, ठीक है, और हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसे स्लम्स होते हैं। स्लम्स का मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सैनिटेशन का एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, ठीक है, प्लस वाटर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे मतलब कैसे भी करके लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, ठीक है, मतलब एक के साथ एक घर सटे हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, और पब्लिक टॉयलेट्स आप जानते हैं कैसे होते हैं, मतलब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है, एवरीबडी यूजेज इट एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। तो अगर कोई बीमारी फैलती है तो ऐसे जगहों पे बहुत जल्दी फैलेगी। जब कोरोना आया था तब सारी नज़रें धारवी पे थी, धारवी इज़ बेसिकली द बिगेस्ट स्लम एरिया ऑफ मुंबई, ठीक है, बीचों बीच मुंबई में लोकेटेड है, और धारवी जो है वो सिर्फ मुंबई का बिगेस्ट स्लम एरिया नहीं, एशिया का बिगेस्ट स्लम एरिया है, ठीक है। तो स्लम्स विल डेवलप, अभी इन स्लम्स में लाखों लोग रहते हैं और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच होते हैं, और इनका अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इनको भगा नहीं सकते, इनको हटा नहीं सकते, बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ठीक है। सो ये सब इन जगहों पे मतलब वेरी लो इनकम ग्रुप के पीपल रहते हैं, कैसे भी करके अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इन सिटीज इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग रैपिडली, हाउसिंग फैसिलिटीज डू नॉट इंक्रीज, जिस रैपिड मतलब जिस तीव्रता से या जिस जल्दीपन से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतनी जल्दी भाई साहब आपका हाउसिंग नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, हाउसिंग इज नॉट इंक्रीजिंग दैट रैपिडली। एज इमिग्रेंट्स आर इकोनॉमिकली वीक, दे कैन नॉट अफोर्ड हाउसिंग, जो इमिग्रेंट्स मतलब बाहर से लोग आते हैं ये इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं, इसीलिए वो हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू लो इनकम पीपल बिल्ड टेम्प्ररी एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड हाउसेस इन ओपन स्पीसेस, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड हाउसेस है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हाउसेस मतलब ऐसा आपका प्रॉपर रूफ नहीं होगा, टिन के शेड्स होंगे, ठीक है, और ईंट पत्थर से कैसे भी दीवार खड़ी कर दी है, ठीक है। ड्यू टू लो इनकम पीपल बिल्ड टेम्प्ररी एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड हाउसेज इन ओपन स्पेसेस, दे आर इलीगल एंड दे डू नॉट गेट बेसिक फैसिलिटीज। देखिए ये इलीगल है, ठीक है, क्योंकि ना आपने ज़मीन खरीदी है, ना ज़मीन के मालिक हैं, ठीक है, और ना ही भाई साहब आपको उस ज़मीन को डेवलप करने का कोई परमिशन है, लेकिन ऐसे बस गए हैं भाई, ठीक है। सो ये इलीगल है, अगर इलीगल है तो उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, ठीक है, बिजली, पानी, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन, ये सब बेसिक फैसिलिटीज इनको नहीं मिली। द डेंसिटी ऑफ हाउसेज इज वेरी हाई एंड द रोड्स आर नैरो, एकदम पतले पतले रोड्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाउसेज मिलेंगे आपको एक ही जगह पे। मत कोई गया है स्लम एरियाज में, कभी देखा है आपने स्लम एरियाज, ठीक है, कुर्ला जाते हुए आपको दिखेगा, धारवी जाते हुए आपको दिखेगा, तो ये स्लम एरियाज, कुर्ला से जब आप गुजरेंगे तो दोनों तरफ लगभग बहुत बड़ा स्लम एरिया है, ठीक है, अगर आप दादर से उधर जा रहे होंगे धारवी अगर आपको दिखेगा बहुत बड़ा स्लम एरिया है, ऐसे छोटे मोटे झोपड़पट्टी हैं और उनमें बहुत कम स्पेस है, बहुत ही कम स्पेस है, पीपल सम आवर लिविंग इन दीज प्लेसेस, बहुत मजबूरी अगर ना हो इंसान की तो ऐसे जगहों पे जनरली लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, वाकई में हालत बहुत तंग है तो ऐसे जगह पे आप रहेंगे। स्लम्स कीप ऑन राइजिंग अनकंट्रोलेबली, और ये भाई साहब एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं शहर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपका आपके स्लम्स, ठीक है। सो स्लम्स आर इंक्रीजिंग, स्लम्स भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्लम्स आर इंक्रीजिंग एट अ ट्रेमेंडस रेट, और ये स्लम्स जो होते हैं झोपड़पट्टी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, ये झोपड़पट्टी है, और यहाँ पे भाई साहब मतलब ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे, यू विल जनरली गेट स्लम्स
इन ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज. मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको ऐसे स्लम्स देखने को मिल जाएंगे. सो दीज आर बेसिकली डेंसली क्राउडेड स्लम एरियाज. यहाँ पे किन किन चीज़ों की कमी होगी भाई साहब? व्हाट आर द फैक्टर्स? आपके प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा. सैनिटेशन भाई साहब नहीं होगा, ठीक है? प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा, वाटर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? वाटर फैसिलिटीज विल नॉट बी देयर. और क्या हो जाएंगे भाई साहब? योर प्रॉपर सैनिटेशन, वाटर फैसिलिटीज, ठीक है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी शायद भी मिल जाए. लोग कैसा भी करके झोल करके कर ही लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? कभी कभी ये भी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहती है. और व्हाट एल्स? प्रॉपर सैनिटेशन, बाथरूम वगैरह नहीं है, ठीक है? कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, वाटर, सैनिटेशन, और काफ़ी सारी गंदगी होती है, ठीक है? काफ़ी सारा कूड़ा कचरा होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा भाई साहब, मतलब अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, आप देखो कि नाले के ऊपर भी लोगों ने घर बनाया है. ऐसा बहुत बड़ा नाला जाता रहेगा, उसके ऊपर कैसा भी करके बिछ करके कैसा भी मतलब घर बना दिया है. तो ये डिजीज हाउसेज होते हैं. दीज आर बेसिकली वॉट? डिजीज हाउसेज. ये आपके भाई साहब डिजीज हाउसेज होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग ये मच्छरों के कारण, मक्खियों के कारण बीमार पड़ते हैं, ठीक है? जब भी कोई डिजीज आउटब्रेक होता है, कभी भी कोई भी पैंडेमिक आउटब्रेक जब होता है, वेन एवर देर इज अ पैंडेमिक, जैसे कोरोना एक पैंडेमिक था, कोई भी डिजीज आउटब्रेक होगा, दीज स्लम्स विल बी बेसिकली, दीज स्लम्स विल बी द सेंटर्स. ये भाई साहब हो जाएंगे आपके सेंटर्स, पैंडेमिक स्प्रेड होने के सेंटर्स. पैंडेमिक यहाँ पे स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है? दीज विल बी द प्लेसेस वेयर पैंडेमिक विल स्प्रेड रैपिडली, ठीक है? रैपिड सेंटर्स. ओके, लीड्स टू सोशल एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं भाई साहब? लोगों के पास काम नहीं होता है तो क्राइम रेट्स बढ़ते हैं ऐसे जगहों पे, ठीक है? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो होंगे ही. सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, यू नो, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई है. इन सब कारणों की वजह से भी भाई साहब आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हैं. ट्रैफिक जैम्स, जितना ज़्यादा भाई साहब शहर में पॉपुलेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स होंगे, ठीक है? उतना एज सिटीज ग्रो, पीपल स्टार्ट लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स एंड सबर्ब्स ऑफ द सिटी. तो आपके आउटस्कर्ट, जैसे नवी मुंबई आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी है, ठीक है? इट इज बेसिकली लोकेटेड आउट ऑफ द सिटी, ठीक है? ठीक है? सो एज सिटीज ग्रो, पीपल स्टार्ट लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स एंड सबर्ब्स ऑफ द सिटी. जैसे जैसे सिटीज ग्रो होने लगते हैं, जैसे नवी मुंबई, ठीक है, उधर आप जाएंगे, दहीसर, मीरा रोड, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, पालघर, इधर आप जाएंगे अगर थाने के साइड तो मुलुंड, ठीक है, घाटकोपर, ये सब बना हुआ है. ये दरअसल आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी है. मुंबई शहर इतना एक्सपैंड होता जा रहा है कि चारों तरफ अभी ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है? इट इज बेसिकली कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग. एज सिटीज ग्रो, पीपल स्टार्ट लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स एंड सबर्ब्स ऑफ द सिटी, ठीक है? नवी मुंबई जैसे एक सबर्ब है. पीपल कम्यूट फ्रॉम सबर्ब्स टू द सेंटर ऑफ द सिटी फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज. अभी देखो जैसे क्या हो रहा है, आपके जो बिजनेस हाउसेज हैं, ठीक है, ज़्यादा करके देखो, किसी शहर का जब विकास होता है तो लेट्स से ये मुंबई है, अभी ये चारों तरफ भाई साहब फैलेगा, ठीक है? तो कुछ दिनों बाद ये एरिया हो जाएगा, फिर और फैलेगा, भाई साहब ये एरिया हो जाएगा. तो अभी क्या हो रहा है कि ये मेन सेंटर है, यहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज हैं, सारे फैक्ट्रीज हैं. तो ये समझ लो नवी मुंबई है, ये भाई साहब आपका हो गया दहीसर, या आप समझ लो मीरा रोड इस टाइप का, ठीक है? ये समझ लो आपका, यू नो, थाना के इधर काटकोपर, मुलुंड, ठीक है, ये सब हो गया. तो इस तरह से अलग अलग लोग एक्सपैंड कर रहे हैं. अभी इन लोगों को जो जॉब्स है या धंधा है इनका, यहाँ पे आने के लिए कम्यूट को फॉलो करना पड़ेगा, है ना? या तो रोड से आएंगे या तो रेलवे से आएंगे, लेकिन तकलीफ दोनों में ही बढ़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या होगा भाई साहब, गाड़ियाँ बढ़ेंगी, ठीक है? व्हीकल्स विल इंक्रीज, ठीक है? सो एज सिटीज ग्रो, पीपल स्टार्ट लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स एंड सबर्ब्स ऑफ द सिटी. फॉर एग्जाम्पल, नवी मुंबई जो है वो एक सबर्ब है, ठीक है? नवी मुंबई, मोस्ट पार्ट्स ऑफ थाना, ठीक है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ थाना भी आपका सबर्ब है, ठीक है? पीपल कम्यूट फ्रॉम द सबर्ब्स टू द सेंटर ऑफ द सिटी. तो ये भाई साहब कम्यूट करते हैं, मतलब जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द सिटी फॉर इंडस्ट्रीज, ट्रेड, जॉब, एजुकेशन, जो भी रीजन रहेगा. एंड देयर विल बी अ हैवी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसके वजह से व्हीकल्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे भाई साहब, ठीक है? आप अक्सर देखोगे रास्तों को बड़ा किया जा रहा है. जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट चला, ठीक है, यू नो,
पनवेल से लेकर खारगर तक जो भी रास्ता है उसको बड़ा किया गया, लेकिन वो बड़ी बड़े रास्ते से भी अभी फायदा नहीं हो रहा, एक टाइम के बाद वो भी कम पड़ने लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गाड़ियों पे कोई रोक टोक नहीं है, किसी को भी गाड़ी मिल सकती है आराम से, मतलब आप खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप कुछ कंट्रीज में जाएंगे वहाँ पे लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा रोक टोक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड एंड ऑल, ठीक है, स्विट्जरलैंड को ब्यूटीफुल कंट्री माना गया है। द रीज़न वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ब्यूटीफुल कंट्री इज बिकॉज इट हैज़ अ वेरी क्लीन एयर, एंड द रीज़न वाई दे आर एबल टू मेंटेन अ वेरी क्लीन एयर इज बिकॉज दे डू नॉट गिव लाइसेंसेज वेरी ईजिली, ठीक है। किसी को आप गाड़ी खरीदने से मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या लाइसेंस के बारे में बहुत सख्त हो सकती है ना भाई साहब, ठीक है। आप यहाँ पे गाड़ी नहीं चलाना भी जानते होंगे तो भी आपका लाइसेंस बन जाएगा, इतने झोल होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में मतलब बैठे बिठाए घर पे लाइसेंस बन जाता है, लोग ज़्यादा करके पहले लाइसेंस लेते हैं उसके बाद गाड़ी चलाना सीखते हैं, ऐसा चल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो बहुत बहुत हमारे यहाँ पे मतलब उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जिसकी वजह से उल्ट सुलट सब लोग गाड़ी एक एक घर में भाई साहब चार चार गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिससे भाई साहब रस्तों में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में क्या है कि आप गाड़ी तो ले सकते हैं लेकिन लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा करके आपके लाइसेंस लेने के चक्कर में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते इंसान का जूता घिस जाता है भाई साहब, ठीक है, तो बोर हो जाता है, वो बोलता है छोड़ो भाई साहब अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चला लेंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत डेवलप्ड है वहाँ पे, ठीक है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे रोड्स, बस आपका रेलवेज, ठीक है, बसेस, ये जो गवर्नमेंट की बसेस हैं, जो गवर्नमेंट के, तो इसमें अगर ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, ठीक है, और इसका काफ़ी सारा कनेक्टिविटी है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सड़कों पे गाड़ियाँ आपको कम दिखेंगी, और सड़कों पे गाड़ियाँ कम दिखेंगी तो लेस फ्यूल कंजम्पशन, लेस ट्रैफिक जैम्स, लेस ऑफ पोल्यूशन। इसीलिए स्विट्जरलैंड आज भी अपने हिसाब से वो एक यूरोप के बीचों बीच वाला कंट्री है, यूरोप के एकदम बीचों बीच है, उसके आजू बाजू कोई सी भी नहीं है। जैसे हमारा पोल्यूशन क्या होता है, सी में चला जाता है, सी के एयर में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे तो भाई साहब एकदम बीचों बीच है, उसके आजू बाजू कोई सी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है, वो एक भाई साहब पोल्यूशन फ्री कंट्री है, जिसके वजह से उसका टूरिज्म चल रहा है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर, ठीक है। ट्रैफिक जाम भाई साहब बहुत ज़्यादा होने लगी है, हम रास्तों को बड़ा किए जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे तो ठीक रहेगा कि कुछ सालों बाद उन बड़े रास्तों में भी प्रॉब्लम आना चालू होगा, क्योंकि इतनी ही ज़्यादा इंडिया आज की तारीख में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फोर व्हीलर्स एज वेल एज टू व्हीलर्स, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग आउट देयर, ठीक है, ओके। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट, आप भाई साहब अभी प्रॉब्लम ये है कि इस समस्या से निपटने के लिए हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, है भी। अगर आप देखोगे मुंबई में भाई साहब हर 3 या 4 मिनट के आपको एक लोकल ट्रेन मिल जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी लद लद से भर भर के भी मतलब उसको भर जगह नहीं, हर लोकल ट्रेन में नहीं नहीं करके भाई साहब 1 से 1.5 लाख लोग जाते हैं उनमें, है ना, ऑफिस टाइम में तो मतलब उन ट्रेन में घुसना मुश्किल है, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि गवर्नमेंट करे भी तो क्या करे, ठीक है, ऑलमोस्ट हैंड्स आर टाइड अप। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहे तो स्विट्जरलैंड की तरह एनवायरनमेंट बना सकती है कि यहाँ पे भी लाइसेंस की सख्ती कर दे या फोर व्हीलर्स पे कोई कंडीशंस डाल दे, लेकिन नहीं कर पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग को ट्रांसपोर्ट नहीं, इतना ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन है, इट्स द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज पीपल, ठीक है। सो वो एक फेलियर का कारण है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट, नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग, वैसे भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, लीड्स टू एन इंक्रीज इन ट्रैफिक जैम्स, कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन ट्रैवलिंग टाइम, तो वैसे आप ट्रैवलिंग टाइम में बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज होता रहेगा, आप जहाँ पे 1 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं भाई साहब, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग, पॉल्यूशन, ठीक है, ये भी भाई साहब मेजर प्रॉब्लम इन द सिटीज, ठीक है, एंड वी नो द रीजंस व्हाई, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अर्बन लाइफ, तो पॉल्यूशन शहरों में काफ़ी ज़्यादा है, अक्सर लोग गाँव इसलिए जाते हैं कि चलो भाई साहब थोड़ा सा अपन फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आबो हवा थोड़ी सी अच्छी मिलती है, आबो हवा इसलिए अच्छी मिलती है क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन कम है, शहरों की हवाओं में इंडस्ट्रीज़ के वजह से, फैक्ट्रीज़ के वजह से और व्हीकल्स के, अनवांटेड व्हीकल्स के वजह से, अनवांटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स के वजह से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ से भाई साहब वाशी चले जाइए बाइक पे, आपको मुंह धोना पड़ेगा, इतने काले हो जाएंगे आप, ठीक है, इतना सादा जो मतलब आप जो रोड से जा रहे हैं, इतना ज़्यादा जो आपका भाई साहब पोल्यूटेड एयर है पूरा मुँह काला कर देगा, अब वही चीज़ आपके अंदर भी जा रही है बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इनहेलिंग एयर,
So understand the amount of pollution that is there in the cities. Okay, it's a very high level of pollution. Air pollution, ठीक है, ये तो भाई साहब है ही. Noise pollution, इसके बारे में हम मतलब बिल्कुल भी जागरूक नहीं है. पटाखे फोड़े जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, जोर जोर से स्पीकर लगाए जा रहे हैं, इसका हमारे पास कोई जागरूकता नहीं है. इसको तो चलो हम मजबूर हैं, शायद इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो लोगों के पास काम नहीं होगा, फैक्ट्रीज नहीं होंगी तो लोगों के पास काम नहीं होगा. जितना आपका भाई साहब गाड़ियाँ चल रही हैं उसका और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो एयर पोल्यूशन के पास हमारे पास बहुत कम ऑप्शन है, लेकिन इसके पास हमारे पास बहुत, इस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट. नॉइज़ पोल्यूशन इज वेरी वेरी सीवियर इन इंडिया, ठीक है. इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, और इसलिए है क्योंकि लोगों को बेसिक समझ नहीं है, ठीक है. मतलब हम, आपको मालूम है, एक्चुअली में माइक चलाने के लिए या जोर से स्पीकर चलाने के लिए आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है. अगर आप कोई फेस्टिव ओकेजन के लिए या किसी भी कारणवश आप एक्चुअली में अपने लोकेलिटी में ज़ोर से माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअली पुलिस परमिट की ज़रूरत है. आपको जाके बाकायदा पुलिस स्टेशन से ये परमिट लेना पड़ता है. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस बन सकता है. लेकिन कौन करता है, ठीक है, ये प्रोसीजर कौन करता है, आपको मालूम है ये बात एक्चुअली में है, ठीक है. यू हैव टू प्रोक्योर अ प्रॉपर परमिट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन इन ऑर्डर टू प्ले यूज. चलो समझ लो तुम्हारे घर पे शादी है, तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, एक दिन के लिए है, तो आपको पुलिस परमिट लेना. हमारे यहाँ पे भाई साहब जब चाहो तब बजाओ भाई साहब, ठीक है, कोई परवाही नहीं. लॉ यही बोलता है कि आपको एक्चुअली भी जाकर पुलिस परमिट लेना पड़ता है, लेकिन वी डू नॉट केटर टू दिस, ठीक है. नॉइज पोल्यूशन हम बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं, और आपको मालूम भी नहीं है कि नॉइज पोल्यूशन से हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. हमारा एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है, हमारे अंदर भाई साहब इरिटेशन लेवल्स बढ़ते हैं, जिसके वजह से हमारे ब्लड प्रेशर में काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है. इट कैन इवन लीड टू मेनी कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिजीजेस, इट कैन इवन लीड टू डेफनेस. ये डेफनेस के लिए भी आपको प्रमोट करेगा. तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, ठीक है. आप अगर कभी मूवी देखने गए होगे या 3 घंटा अगर आप कंटिन्यूस म्यूजिक सुनेंगे, आपके सर में दर्द करने लगेगा. ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है, क्योंकि यू आर एक्सपोज टू सो हाई डेसिबल्स, तो वो करेगा ही करेगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज इम्पैक्ट, ठीक है. वाटर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिसको रोका जा सकता है, और गवर्नमेंट ने बाकायदा बहुत सारे लॉयर्स बनाए भी हैं, लेकिन अगेन फ्लॉज हैं. हम सब भाई साहब डंपिंग कर रहे हैं ग्राउंड में, हम सब भाई साहब खुले ग्राउंड में डंपिंग कर रहे हैं या ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर, ठीक है. ओके, इंक्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, इनसफिशिएंट फैसिलिटीज एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉज मेक्स पोल्यूशन अ बिग प्रॉब्लम. तो डेवलपमेंट तो हो रहा है सिटीज में, ठीक है, जिसके वजह से भीड़ भी बढ़ रही है, ठीक है. इनसफिशिएंट फैसिलिटीज, आपकी फैसिलिटीज जो है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है. मतलब सबके लिए बिजली, सबके लिए पानी, सबके लिए प्रॉपर सैनिटेशन, सबके लिए एडुकेशन, सबके लिए हाउसिंग पॉसिबल नहीं है. जिस रेट से हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है और जिस रेट से हम शहरों में इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, उस रेट से भाई साहब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डेवलप कर पा रहे, ठीक है. एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉज मेक्स पोल्यूशन अ बिग प्रॉब्लम. अभी ब्रेकिंग ऑफ लॉज मतलब ये झुगड़ी झोपड़ पट्टियों में भाई साहब एक कमरे में 10 दर्जन रह रहे हैं, ये एक ब्रेकिंग ऑफ लॉ ही तो है, ठीक है. फिर मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले लिया झोल झपाटे से भाई साहब, ठीक है, वाटर कनेक्शन ऐसे ले लिया, तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. दे आर ब्रेकिंग ऑफ लॉज बिकॉज ऑफ विच द थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. क्राइम्स, आपके क्राइम रेट बढ़ेंगे. जब आपका मतलब शहरीकरण होता है तो काफ़ी लोग गांव, देश, देहात छोड़कर शहरों में आकर बस जाते हैं, लेकिन क्या इनकी ज़िंदगी बड़ी सुनियोजित होती है? नहीं. शहरों में लाइफ एक्सपेंसिव है, ठीक है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर टू लिव इन बिग सिटीज़, ठीक है. एडुकेशन इज़ एक्सपेंसिव, आपका हाउसिंग तो मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एक्सपेंसिव, ठीक है. और इसी के वजह से भाई साहब आपके यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्यों बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती हैं, जिसके वजह से अपने जीवन को चलाने के लिए या अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दे टेक अप टू क्राइम्स, ठीक है. तो क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग, ठीक है, दे बेसिकली गेट इन्वॉल्व इन क्राइम्स. इमिग्रेंट्स डू नॉट ऑलवेज फाइंड एम्प्लॉयमेंट. जो गाँव, देश, देहात छोड़कर शहरों में आकर बस रहे, उनको नेसेसरी नहीं कि हर समय एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाए, ठीक है. दे माइट नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, एंड इफ दे डोंट देन व्हाट विल दे डू,
obviously to support themselves and their family, they will undertake crime. ठीक है, okay. Some try to earn money through illegal ways. Illegal ways से leads to increase in crimes like thefts, burglaries, scuffles and murders. ठीक है, ये सारे भाई साहब होते हैं. ठीक है, so these things basically are there or happen because there's a lot of unemployment in these immigrants who are coming from far off places and trying to settle down in cities and towns. ठीक है, serious law and order issues, बहुत सारे law and order issues होते हैं. ठीक है, pressure on the police and the judicial system. तो पुलिस और judicial system पे काफी pressure increase हो जाता है. Enormous increase in land prices. ठीक है, land prices काफी ज्यादा increase होते हैं. There enormous increase in land prices. आप देखोगे भाई साहब, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखो, स्पेशली मुंबई जैसे एरियाज में देखोगे, तो लैंड प्राइसेस आर मतलब बहुत ज्यादा स्काई रॉकेटिंग है. ठीक है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने इतना ज्यादा भाई साहब इसको बढ़ा दिया है. ठीक है, इट इज बिकमिंग आउट ऑफ रीच डे बाई डे. ठीक है, लैंड प्राइसेस इंक्रीज क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं एंड पीपल आर रेडी टू पे एनी प्राइस टू गेट अ पीस ऑफ लैंड फॉर देमसेल्व्स. स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, तो बहुत सारे ग्रुप्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं. ठीक है, इसके वजह से स्ट्रगल होता है एक्सेट्रा. क्रिएट टेंशन इन द सिटीज एंड डिस्टर्ब सोशल हार्मनी. जितना भीड़ बढ़ेगा उतना भाई साहब फसाद होने के चांसेस होंगे और फसाद होंगे तो फिर सबकी सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होगी. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू हैपन. ओके, चेक योर ग्राफ्स, कंप्लीट द टेबल. इमर्जेंस ऑफ स्लम्स. स्लम्स आर वॉट? इलीगल सेटलमेंट्स, इनसफिशियंट फैसिलिटीज. तो ये इलीगल सेटलमेंट्स हैं विच क्रॉप अप इन अर्बन एरियाज एंड ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम नियर बाई विलेजेस एंड ऑल. इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गुड लाइफ स्टाइल कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. माइग्रेशन बोल सकते हैं भाई साहब. ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गुड लाइफ स्टाइल. तो ये जो गाँव छोड़कर, देश देहात छोड़कर जो लोग आकर शहरों में बस जाते हैं, व्हाई आर दे डूइंग? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग देयर लाइफस्टाइल टू इंप्रूव. ठीक है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. पोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई साहब? सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, अ लॉट ऑफ व्हीकल्स, एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, सेटिंग एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज व्हिच हैपेंस प्राइमरली इन इंडस्ट्रियल इन अर्बन एरियाज इज पोल्यूशन. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर जनरेटेड. इंक्रीज इन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन. Change from rural to urban, तो ये आपका urbanization हो गया. देखो, migration, increase in population, ठीक है? Long term health effects, इसका भाई साहब pollution के effects क्या क्या हो जाएंगे? Sorry, ये pollution का effects पूछा था. Long term health effects, unhygienic living conditions, ठीक है? Employment opportunities were generated, increase in amenities and facilities, ये भाई साहब किसके वजह से है? Industrialization के. Change from rural to urban, why are people opting to change their habitat from rural to urban? Because there is an increase in the amenities, हमारे सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं life में, modernization होता है, proportion of land under agriculture gets reduced. तो obviously भाई साहब धीरे धीरे शहरीकरण के चलते जितना land agriculture को था वह भी कम होता जा रहा है. ठीक है, agriculture land is decreasing. Okay, outline the importance advantages of the following. Social harmony in the cities, मतलब आपका जो समन्वय है वो बना रहे. ठीक है, there is complete harmony in the cities. ठीक है, तो सोशल हार्मनी इन द सिटीज, ड्यू टू अर्बनाइजेशन देर इज एन इंक्रीज इन द सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन. वरना प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? व्हाट इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन? अरे बोलो ना बोलो, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यही है ना भाई साहब. प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है आपका? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. ठीक है, सो ड्यू टू अर्बनाइजेशन there is an increase in secondary, tertiary and quaternary occupations. ये सब बढ़ रहे हैं भाई साहब आपके. ठीक है, this leads to increase in economic activities. इससे economic activities बढ़ती हैं, causing people to come in the city from different parts of the country. और इस process को अपन क्या बोलते हैं? Migration. इस process को अपन बोलेंगे migration. Cultural and social customs and traditions are exchanged. तो अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं अपने culture के साथ, अपने social traditions के साथ, as people from different parts live together in the cities. तो इन लोगों के आने से काफी सारा कुछ एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, a lot of things get exchanged. This creates social harmony. इससे भाई साहब क्या हो रहा है? Social harmony बढ़ रही है. ठीक है, this creates social harmony. Okay, okay.
एमिनिटीज इन अर्बन एरियाज. तो एमिनिटीज इन अर्बन एरियाज क्या क्या है भाई साहब, वॉट आर द एमिनिटीज? ठीक है, एमिनिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द अर्बन एरियाज. तो क्या क्या आपके अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल, एजुकेशनल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, फायर ब्रिगेड, ये सारी चीजें आपके भाई साहब अवेलेबल होती हैं. द एडवांटेजेस ऑफ दीज एमिनिटीज आर ड्यू टू गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जर्नी बिकम्स ईजियर. तो आपका भाई साहब जर्नी ईजियर हो जाता है. ठीक है, गांव खेड़े में अगर आप देखोगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अगर आपके पास वाहन नहीं है तो आपको एक बस का इंतजार करना पड़ेगा. वो बस 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद एक बार आती है. ठीक है, उतनी ज्यादा बस की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. यहाँ पे कहीं से कहीं भी जाने के लिए आपको फटाफट संसाधन मिल जाएंगे. ठीक है, इट्स पॉजिटिव इफेक्ट इज ऑल्सो सीन ऑन फ्राइट ट्रांसपोर्ट मार्केट ट्रेड एक्सेट्रा. फ्राइट ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, जो आपके गुड्स होते हैं. ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह बड़े आराम से आप शहरी इलाकों में पहुंचा सकते हैं. शहरी इलाकों में फ्राइट ट्रांसपोर्ट इज प्रीटी इजी. ठीक है, गुड्स को पहुंचाना, मार्केट्स तक गुड्स पहुंचेंगे, बिकेंगे, तभी तो धंधा होगा भाई साहब, वरना पैसे कैसे आएंगे. ठीक है, सो ये शहरी इलाकों में धंधा करना आसान इसलिए होता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप मिलता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपको डेवलप मिलती हैं. ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज इन अर्बन एरियाज अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ हायर एजुकेशन. ठीक है, तो ये जो एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं जो अर्बन एरियाज में मिलती हैं, दे अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, सारे प्रांतों से, कंट्री के सारे हिस्सों से भाई साहब लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए. ठीक है, फॉर हायर एजुकेशन. द मेडिकल फैसिलिटीज दैट रूरल एरियाज आर डिवॉइड ऑफ कैन बी अवेल फ्रॉम द नियर बाई अर्बन एरियाज. ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती हैं गाँव खेड़ों में. ठीक है, तो ज्यादा करके लोग इलाज के लिए भी शहर आते हैं. ठीक है, सो द मेडिकल फैसिलिटीज दैट रूरल एरियाज आर डिवॉइड ऑफ, जो मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छे मेडिकल केयर, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छा ट्रीटमेंट जो ज्यादा करके गाँव में अवेलेबल नहीं होता है, शहरों में आपको उपलब्ध होता है. और इसीलिए गांव का एक बहुत बड़ा क्राउड शहरों में आता है. ठीक है, कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द नियर बाय अर्बन एरियाज, द मेडिकल फैसिलिटीज आर वेल डेवलप्ड इन अर्बन एरियाज. ये जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, दे आर वेल डेवलप्ड इन अर्बन एरियाज. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो इसके वजह से काफी सारे लोगों का आवागमन होता है. सजेस्ट मेजर्स फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. तो क्या कर सकते हैं हम इस अर्बनाइजेशन के लिए? The forest cover should be protected and green belts should be developed around densely populated cities. ठीक है, मुंबई का ग्रीन बेल्ट कौन सा है बता सकते हैं? क्या मुंबई का ग्रीन बेल्ट कौन सा है? मुंबई का ग्रीन बेल्ट बेसिकली आर ए कॉलोनी है. ठीक है, जो आपका गोरेगांव के आगे है, दैट इज बेसिकली अ ग्रीन बेल्ट. द फॉरेस्ट कवर शुड बी प्रोटेक्टेड. तो शहर के अंदर जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. एंड ग्रीन बेल्ट शुड बी डेवलप. और बीच बीच में ग्रीन बेल्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन भी हो सके, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है. ठीक है, ड्यू टू व्हीकुलर इमिशंस. ओके, ग्रीन बेल्ट एरियाज शुड हैव स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रीज. जैसे गोरेगांव के बीच में एक एरिया है जिसको हम आर ए कॉलोनी बोलते हैं, और ये आर ए कॉलोनी में आप कोई भी बिल्डर बिल्डिंग डेवलप नहीं कर सकता है. बहुत बड़ा एरिया है, लैंड एरिया है, वहां पे कोई बिल्डिंग्स डेवलप नहीं हो सकती. ठीक है, इट इज एज गुड एज अ फॉरेस्ट एरिया राइट इन बिटवीन अ एंटायर टाउन. ठीक है, और जैसे वहां पे आपको संजय गांधी नेशनल पार्क भी मिल जाएगा. ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क भी है एंड इट इज बेसिकली फॉर फॉरेस्ट स्पीशीज का कंजर्वेशन के लिए. ऑटोमोबाइल इंजिन्स शुड बी रीडिजाइंड टू मिनिमाइज देयर पोल्यूशन कॉजिंग एमिशंस. तो ऑटोमोबाइल इंजिन्स को इस तरह से आपको मैन्युफैक्चर करना है ताकि कम से कम पोल्यूशन उनसे निकले, कम से कम पोल्यूटेड हवा उनसे निकले. ठीक है, सो ऑटोमोबाइल इंजिन्स शुड बी रीडिजाइन. आप अगर देखोगे भाई साहब, पुलिस वाले अगर आपका पीयूसी नहीं होगा तो आपको फाइन मारेंगे. ठीक है, पीयूसी होता है तो आपके पास एक वो होता है, चिट रहता है, उसको आप दिखाकर आगे निकल सकते हैं, वरना आपके ऊपर फाइन लागू होता है. बीच में एक नियम आया था कि अगर आपको पीयूसी नहीं है तो आपको भाई साहब पेट्रोल भी नहीं मिल सकता. ठीक है, अब वो पता नहीं क्या हुआ, खत्म हो गया. ठीक है,
ठीक है. सो ऑटो ओल्ड ऑटोमोबाइल इंजन शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस. अगर आप देखोगे मुंबई में आपका जितने भी ओल्ड ऑटोमोबाइल इंजन हैं, सर थैंक यू, जितने भी आपके ओल्ड ऑटोमोबाइल इंजन हैं, अगर आपका भाई साहब यू नो ओल्ड इंजन से प्रॉब्लम क्या है, व्हाई आर ओल्ड व्हीकल्स नॉट अलाउड, पॉल्यूशन ज्यादा होता है क्यों? ओके, सो ओल्ड फॉर्मेट्स में, क्योंकि ओल्ड इंजन में पॉल्यूशन ज्यादा होता था, इसीलिए ओल्ड जितने भी व्हीकल्स हैं, जैसे 15 साल के बाद आरटीओ आपका व्हीकल चेक करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर लगता है भाई साहब ग्रीन टैक्स, उसके ऊपर लगता है भाई साहब ग्रीन टैक्स. तो अगर आपने ग्रीन टैक्स नहीं भरा होगा और 15 साल व्हीकल पुरानी होगी, तो आप पे बहुत बड़ा फाइन लग सकता है अगर आप पकड़े गए तो, ठीक है. 15 साल के बाद आपको ऑटो रिन्यू करके ग्रीन टैक्स को वैसा भरना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस व्हीकल को चला सकते हैं. अगर आप बिना ग्रीन टैक्स भरे इस व्हीकल को चला रहे होंगे, ठीक है, तो आपके ऊपर वैसा फाइन लग जाएगा, ठीक है, वो चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, ग्रीन टैक्स एप्लीकेबल है, ठीक है. ओके, सो ऑटोमोबाइल शुड बी रिप्लेस, इलेक्ट्रिक इंजन शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ स्टीम इंजन और डीजल इंजन. तो आप देख रहे हैं भाई साहब काफी सारा परिवर्तन हो रहा है. अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक भाई साहब आपके यू नो टू व्हीलर्स आ रहे हैं. सो अगर हमने पूरा पूरा इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर लिया, वी विल हैव अ बेटर एनवायरमेंट एटलीस्ट, ठीक है, नॉट मच ऑफ एमिशंस. फॉरेस्ट फायर्स शुड बी चेक्ड. फॉरेस्ट में आग लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट फायर अगर होता है तो पूरा का पूरा जंगल तबाह हो जाता है. तो समझ लो आपने शहरों के बीच आपने वेल्ड प्लान सिटी बनाया और इसके बीचों बीच एक जंगल रखा है. इस जंगल में भाई साहब कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकता है, इस जंगल में कोई रह नहीं सकता है, कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होगा, चलो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन गर्मियों के मौसम ने कहीं किसी ने आग लगा दी यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो अपेरेंटली व्हिच हैपेंस टू बी द लंग्स ऑफ द सिटी इज डिस्ट्रॉयड. तो फॉरेस्ट फायर्स हैव टू बी चेक. थोड़ा सा भी अगर कहीं पे आग लगता है तो फटाफट उसको बुझाने की प्रयास की जानी चाहिए, वरना फॉरेस्ट फायर्स पूरे फॉरेस्ट को तबाह कर देगा. और अगर फॉरेस्ट तबाह हो गया तो ग्रीन बेल्ट रहेगा ही नहीं, देयर वोंट बी एनी ग्रीन बेल्ट्स. इतनी मेहनत से जो आपने ग्रीन बेल्ट को तैयार किया था वो रहेगा ही नहीं. इकोनॉमिकली वायबल डिवाइसेस फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन शुड बी डेवलप. ठीक है, तो आपको ऐसे डिवाइसेस को डेवलप करना है जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके और जो ज्यादा महंगी भी ना हो. ठीक है, सो इकोनॉमिकली वायबल डिवाइसेस फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन शुड बी डेवलप. क्लियर हम पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. सजेस्ट मेजर्स फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. ये देखो भाई साहब, सक्षम की शादी हो रही है और ये हो रहा है भाई साहब, है ना, सक्षम शादी के टाइम पे ही करेगा ना, कम से कम 100 माइक लगाएगा. ओके, सो देखो ये इस तरीके का भाई साहब, हमारा जो है ना, हमारा बेसिक सेंस फॉर कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन इज एब्सोल्युटली पैथेटिक, स्पेशली इंडियंस. इतना ज्यादा नॉइज है भाई साहब, ठीक है, कुछ नॉइजेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं भाई साहब. अभी व्हीकल्स में अननेसेसरी हॉन्किंग है, अभी क्या कर सकते हैं, लोग हॉन्किंग कर रहे हैं तो क्या करें, ठीक है. लेकिन फैक्ट्रीज में जैसे नॉइज है, मशीन्स बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, आप किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जाओगे अक्सर आप मतलब बात नहीं कर पाओगे एक दूसरे से, इतनी ज्यादा नॉइज होती है. अब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, गाड़ियों में एक आवाज होती है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फालतू के अनायास स्पीकर्स को तो हम अवॉइड कर सकते हैं भाई साहब. फालतू में ये जो हम चलाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, आज की तारीख में भाई साहब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आपको वाकई में म्यूजिक सुनना है, एक ईयरफोन खरीदिए अच्छे से, अच्छा कान में डाल के भाई साहब सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंजॉय कीजिए अपना म्यूजिक, क्यों दूसरे को सुनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. तुम्हारे पास हेडफोन है, हेडसेट है, सस्ते में मिल जाएगा और अच्छे से उसको म्यूजिक, तो हमारा ये लगता है कि हमको जो सुनने में अच्छा लगता है दूसरे को भी सुनने में अच्छा ही लगता हो, दूसरों को भी हम जबरदस्ती सुनाएंगे, है ना. सो दीज आर थिंग्स विच आर वेरी वेरी इरेशनल एंड वेरी वेरी अनकंसेप्चुअल, ठीक है, ये हमारा नेचर है. आप भाई साहब फॉरेन कंट्रीज में ऐसा करने जाएंगे ना, वैसा उसी दिन अरेस्ट हो जाएंगे. थोड़ा भी अगर आपका साउंड लेवल ज्यादा होता है, डेसिबल लेवल से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, केसेस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट यू एक्चुअली. और एक्चुअली में लॉ यही है कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप रह रहे होंगे, यू विल हैव टू टेक अ परमिट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन इफ यू वॉन्ट टू प्ले फॉर एनी पर्पज लाउड म्यूजिक. वो चाहे भाई साहब आपके बिल्डिंग का फेस्टिवल का होगा या घर पे कोई शादी है, इसलिए यू विल हैव टू टेक इट, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कौन देखता है, ठीक है. सो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब, अरे गाना बज रहा है भाई साहब नाचो, ठीक है. सो इट्स द नॉइज लेवल लिमिट्स शुड बी फॉलोड.
one should check use of loudspeakers for outdoor parties as well as political and public announcements. ठीक है, तो loudspeakers भाई साहब आज की तारीख में तो भीख मांगने वाली वो माइक लेकर भीख मांगते हैं, मैंने देखा है. मतलब इतना डेवलप हो गया है कि मैं बोलता हूँ कि भाई साहब वो जो माइक है उसी का तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये लगा होगा. इतने पैसे तुम्हारे पास थे तो भीख काहे मांग रहे हो, ऐसा मेरा मानना है. वो माइक लगाकर भीख मांगते हैं. मैंने उस दिन देखा कुछ मकर संक्रांति के बाद वाले दिन 4-5 लोग घूम रहे हैं पूरे कामोटे में. ठीक है, मदद करा ये जो भी है. ठीक है, बट आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम बेगिंग. वो चलो हमारा समाज का अभी क्या कर सकते हैं, बेगर्स हैं. लेकिन इस तरह से माइक में लगा कर मतलब लोगों को डिस्टर्ब करके भीख मांगना क्या होता है? तो इसके लिए हमारे पास मतलब इतना हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए हैं. मैं अगर भाई साहब अगर मुझे कभी मौका मिले ना, इफ आई वॉज सपोज टू बी इन एनी डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट, आई वुड हैव सीरियसली क्लोज द स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद करवा देता. ये क्योंकि हमको बेसिक सेंस है ही नहीं, वी डू नॉट हैव दैट बेसिक सेंस. ठीक है, ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारा फेलियर है. और आज की तारीख में देखो यार तुम्हारे पास मैंने देखा ट्रेन में लोग जा रहे जोर से मोबाइल चुन रहे हैं. अरे भाई साहब हेडफोन लगाओ, ब्लूटूथ है, क्या क्या है तुम्हारे पास, आराम से लगाओ भाई साहब. ट्रेन में बिकता है वो 10-10, 15-15 रुपए में, एक ले लो भाई साहब. कहीं दूसरे को सुना रहे हो, तुम सुनो ना यार. ठीक है, मैं मतलब मेरे बिल्डिंग के लिफ्ट में भी मैं देखता हूँ अक्सर. आज सुबह एक दूध वाला जोर जोर से म्यूजिक चला, बलम भाई क्या सुन ना भाई, तुमको सुनना है सुनो ना, 4-5 लोगों को साथ में क्यों सुना रहे हो. ठीक है, सो वी आर बेसिक सेंस अबाउट नॉइज पोल्यूशन इज पैथेटिक. ठीक है, जिन चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्री से नॉइज, ठीक है, व्हीकल से नॉइज, अभी इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं. ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नॉइज कम होता है, लेकिन सब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं. लेकिन जहां पे हम कुछ कर सकते हैं वहां तो जरूर करना चाहिए ना. अभी एक स्कूल में बच्चे लोग हैं तो नॉइज तो होगा, इसका कुछ कर नहीं सकते भाई साहब. 5,000 बच्चे हैं भाई साहब, छुट्टी होगी तो नॉइज तो होगा, कुछ नहीं कर सकते इसका. लेकिन उसी स्कूल में जब आप अनायास डांस का प्रोग्राम ओहो चलता ही रहता है भाई साहब पूरा साल. ठीक है, तो नॉइज लेवल्स नियर सेंसिटिव एरियाज लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स शुड बी कंट्रोल्ड. वन शुड अवॉइड अननेसेसरी हॉन्गिंग ऑन द रोड्स. ये तो भाई साहब कोई मतलब है ही नहीं. आप कुछ कुछ ड्राइवर्स को देखोगे भाई साहब टू व्हीलर चला रहे हैं, एक टू व्हीलर भाई साहब इतनी सी जगह से निकल जाएगा लेकिन उनको पूरा रोड चाहिए भाई साहब. ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली हॉन्किंग भाई साहब, पूरा रोड खाली है, शायद एक का दुक्का गाड़ी है लेकिन बजाया जा रहा है भाई साहब पै पै. ठीक है, सो अननेसेसरी हॉन्किंग है. वन शुड अवॉइड द यूज ऑफ नॉइजी फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस. नॉइज पोल्यूशन के क्षेत्र में हम बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं, बहुत बुरी तरह से, बिकॉज हमारा बेसिक सेंस इसमें है ही नहीं कि कैसे नॉइज को वैसा कंट्रोल किया जा सके. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विलेज इनटू टाउन एंड सिटी, इसको अपन बोलते हैं अर्बनाइजेशन. वेरियस इंडस्ट्रीज स्टार्टेड इन विलेज, पीपल कम फ्रॉम सराउंडिंग रीजन्स टू वर्क हियर बिकॉज ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज धीरे धीरे क्या होता है वैसे इंक्रीज होने लगता है. द एक्सटेंड ऑफ द विलेज ग्रोस, और धीरे धीरे ये विलेज बढ़ने लगता है. द ग्राम पंचायत प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज टू द विलेज गिव्स वे टू म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. द विलेज ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टाउन और सिटी. तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि शहर पैदा ही हुआ है. ठीक है, पहले गांव खेड़े हुआ करते थे, धीरे धीरे गांव में पॉपुलेशन बढ़ने लगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ने लगी, फिर धीरे धीरे वहां पे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ने लगी, फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, स्कूल्स हॉस्पिटल्स मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बढ़ने लगा और धीरे धीरे एक शहर हो गया. ठीक है, सो गांव पहले के स्टेज में गांव ही होते हैं, उसके बाद ही एक शहर डेवलप होता है. शहर पटाख से ऊपर से नहीं गिरता है. ठीक है, शहर धीरे धीरे डेवलप होता है. ठीक है, सो दैट इज हाउ द विलेज और द टाउन विलेज और द सेमी विलेज और द सेमी टाउन और द सेमी सिटीज एरियाज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिटीज एंड टाउन्स, प्रॉपर सिटीज एंड टाउन्स. ठीक है, तो अर्बन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. ठीक है, अर्बन एरिया किसको कहते हैं हम? ठीक है, अगर मोर देन 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर, ये पढ़ चुके हैं अपन. ठीक है, किसी एरिया का अगर 75% से ज्यादा वर्किंग मेल पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, मतलब खेती बाड़ी या एनिमल हस्बेंड्री में नहीं, किसी और सेकेंडरी या टर्शरी या क्वार्टनरी फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है.
75%, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन 5000, ये 5000 से ज्यादा होना चाहिए, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सेटलमेंट शुड बी 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये सेंसस कब आया था? 1961 में। इस के हिसाब से आपका अर्बन एरिया का डेफिनेशन है। इन 1961 देयर वाज अ डेफिनेशन फॉर अर्बन व्हिच एरिया बेसिकली क्वालिफाइज फॉर एन अर्बन एरिया। तो क्या क्या डेफिनेशन है भाई साहब? जहां पे 75% ऑफ द पॉपुलेशन, मेल वर्किंग पॉपुलेशन, इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फॉर जनरेटिंग इनकम। सेकंड, 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन हो, और थर्ड, आपका पर स्क्वायर पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना हो भाई साहब? 400, ठीक है, एटलीस्ट 400। सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एन अर्बन एरिया। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। सो हमने देखा कि भाई साहब धीरे धीरे शहरीकरण होता है, और शहरीकरण के चलते भाई साहब ग्राम अंचल जो होते हैं, जो नो दे बेसिकली कन्वर्ट इनटू डेवलप्ड एरियाज। रीजंस फॉर अर्बनाइजेशन क्या होते हैं भाई साहब? जैसे जैसे भाई साहब इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, फैक्ट्रीज बढ़ती हैं, तो अर्बनाइजेशन बढ़ता है, ट्रेड धंधा बढ़ता है, ठीक है। मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे भाई साहब आपके मशीन्स टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो भी बढ़ता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर बढ़े, और माइग्रेशन। तो एक पर्टिकुलर एरिया में ये सारी चीजें जब बढ़ने लगती हैं तो बहुत दूर दराज से लोग वहां पे आने लगते हैं इन सब चीजों का फायदा उठाने के लिए, और धीरे धीरे भाई साहब उस जगह का पॉपुलेशन और सारी सब जो सुविधाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। दैट इज हाउ अर्बनाइजेशन हैपेंस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रीजन चेंज लार्जली और स्पेसिफिकली इन लैंड यूज, द चेंज कैन बी एक्सपीरियंस। एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है भाई साहब? सोशल हार्मनी मेंटेन रहती है आपकी, ठीक है। तो सोशल हार्मनी मेंटेन रहती है, मतलब सोशल हार्मनी आपका मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह से लोग आते हैं, तो सबके सबको मालूम है कि भाई साहब मजबूरी के वजह चलते गांव खेड़े को छोड़कर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। सो पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड सोशल हार्मनी इज मेंटेन। मॉडर्नाइजेशन, ऑब्वियसली भाई साहब अगर कोई अर्बन एरिया होगा तो वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, वहाँ पे भाई साहब प्रॉपर बैंक्स होंगे, वहाँ पे भाई साहब स्कूल्स होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, तो आपको भाई साहब प्रॉपर एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिलेगा। प्रॉब्लम्स, स्लम्स, ठीक है। स्लम्स कीप ऑन राइजिंग अनकंट्रोलेबली विच मे गिव राइज टू सोशल एंड हेल्थ रिलेटेड इशूज। तो इससे भाई साहब सोशल और हेल्थ रिलेटेड इशूज होंगे। इंक्रीज इन ट्रैफिक जैम्स, भाई साहब व्हीकल्स बढ़ रही हैं एंड ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। तो आपका भाई साहब ट्रैफिक जैम्स और ट्रैवलिंग टाइम आपका सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द सिटीज एंड इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अर्बन लाइफ, ठीक है। तो पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली। इंक्रीज ऑफ क्राइम्स लाइक थेफ्ट्स, बर्गलरीज, स्कफल्स एंड मर्डर्स इन द सिटी दैट मेक्स सीरियस लॉ एंड ऑर्डर डिसड्यूस। तो सबको जो सारी पब्लिक आ रही है इतने दूर दराज इलाकों से और अर्बन एरियाज में सेटल डाउन हो रहा है, क्या सबको पर्याप्त मात्रा में एम्प्लॉयमेंट या जॉब मिल रहा है? शायद नहीं। तो जब क्योंकि यहाँ पे आपका भाई साहब लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है, सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट एन एक्सपेंसिव लाइफ फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर देयर फैमिली, दे हैव टू अर्न समथिंग, एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू अर्न थ्रू लीगल वेज दे जनरली टेक टू इलीगल वेज। तब ये भाई साहब इलीगल वेज करने लगते हैं, ठीक है, टू अर्न मनी। आर वी क्लियर टू दिस वन? सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। एनी क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक पीपल? नो। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।